मरकाम दादा के चरणों में सेवा जोहार, पेणवासी मोतीराम और कंगाली दादा के चरणों में सेवा जोहार। और इस घुड़वाना गणतंत्र पार्टी के सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर मरकाम जी और इस राष्ट्रीय सचिव हमारे श्याम सिंह मरकाम जी, बलबीर सिंह तोमर जी और यहाँ पर इस मंच में सतीश नागवंशी जी और इस मंच में इस गुणवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह परतेते जी और हमारे शोभाराम भलावे जी और यहाँ पर जौहरीलाल हनुमाते जी और इस गुणवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके जी और यहाँ पर मंच में समस्त मेरे पदाधिकारीगण और इस छिंदवाड़ा जिला के जो ब्लॉक से चलकर आए गुणवाना गणतंत्र पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हर्रई संदीप हनुमाते जी और अमड़ावाड़ा ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष चेतन कुमरे और जुन्नार देव से तमाम ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे यहाँ पर मंच माता शक्ति के रूप में हमारे शांतिराज कुशराम जी और इस गोंडवाना के छिंदवाड़ा जिला के सबसे पुराने हमारे मुखिया परतेते जी नीरजमनिया से और यहाँ पर मंच में जयपाल उइके जी और हमारे यहाँ राधेश्याम ककुड़िया जी, तमाम पदाधिकारी गणों को मैं समस्त यहाँ पर हमारे इस गोंडवाना ये छिंदवाड़ा जिला के देवरावन भलावे जी, शिवरावन त्रिगाम जी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे राजकुमार सरसाम जी और पूर्व जनपद अध्यक्ष छर्रई ब्लॉक से रिजन साय उइके जी, तमाम जो छिंदवाड़ा जिला के समस्त पदाधिकारी गणों को साजब दरबार के अतिथि लोगों को सभी को मैं साजब दरबार की ओर से सेवा जोहार करता हूँ, नमन करता हूँ। समस्त मेरे सगाजन और माता शक्ति और पिता शक्ति समस्त मेरे नौजवान साथियों से मेरा निवेदन है कि आज इस देश दुनिया के अंदर पेणवासी दादा मरकाम ने इस सोई हुई समाज को पुनः आजादी के 75 साल के बाद में जो जगाने का काम किया है तो वो दादा मरकाम है और धर्म संस्कृति के माध्यम से जिन्होंने जगाने का काम किया है वो मोती रावण कंगाली है। जिद हीरा और मोती ने देश दुनिया के अंदर इस गोंडवाना समाज को और आदिवासी समाज की खोई हुई दिशा को जगाने का काम किया है। आज जो पीले गमचर जय सेवा का मूल मंत्र दिख रहा है वो हीरा और मोती का दिख रहा है। या आप कहते होंगे कि गोंडवाना हमने बनाए, आज हम भक्तों के माध्यम से देखे जाते हैं, ऐसा लगता है कि गोंडवाना को हमें नहीं जगाए। मेरा निवेदन उन लोगों से, वो वक्त चला गया, इस देश दुनिया के अंदर हमारे पूजनी होंगे तो दादा मरकाम होंगे। पुणे आजादी के बाद हम दादा मरकाम के संकलाम लेकर पूरे मध्य प्रदेश और भारत में काम करेंगे हीरा और मोती के नाम पर। छिंदवाड़ा जिला के समस्त मेरे कार्यकर्तागण और छिंदवाड़ा जिला के समस्त बुद्धिजीवियों से मेरा निवेदन है, अब वक्त है, आ जाइए गोंडवाना में। जिस झंडा से आप लोग सीखे हो, जिस मन से भला आप लोग भाषण देना सीखे हो, जिसकी क्रांति यहाँ पर गूंज रहा है वो दादा हीरा सिंह मरकाम है। आज जिला और प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं, हर ब्लॉक हर जिला में मध्य प्रदेश के चाहे वो कोई सी भी कोना हो, जो भी आंदोलन आदिवासी लोग जो आज मंच लगा रहे हैं तो दादा मरकाम का देन है। आज आप माइक में बोल रहे हैं, दादा मरकाम नहीं होते, मोती रावण कंगाली नहीं होते तो आप लोगों को मंच नहीं होता। आप भी अभी भी कांग्रेस और बीजेपी में गुलाम होते आप लोग भी। तो धने मरकाम दादा, धने मोती रावण कंगाली। आज हमारे नौजवान आज जो मंच में बोल रहे हैं ना, वो सब ये पीली क्रांति और इस मरकाम दादा की परछाया है। आज लोगों ने मरकाम दादा की परछाया कब भूल गए, आज उस मरकाम दादा के जन आंदोलन को भूल गए, उस जन आंदोलन को, उस क्रांति को,
लाना है तो पुनः इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आ जाइए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आकर इस मंच द्वारा काम करिए। न आप मुंह दिखाने लायक नहीं हो गए, मुंह दिखाने लायक नहीं हो गए। आप लोगों से निवेदन है और ये धर्म और भाषा की आंदोलन और गांव गांव में बड़ा देव और ठाना और झंडा, ये भाषा और धर्म संस्कृति को देने वाले लोग हैं तो मोती रावण कंगाली है, जिनके पुनेम के माध्यम से घर घर में जय सेवा गूंजा, घर घर में बड़ा देव का झंडा पहुंचा, वो पुणे में और वो दादा मोती रावण कंगाली। आप साथियों इस वक्त में सभी मेरे नौजवानों से मेरा निवेदन है, इस छिंदवाड़ा जिला की धरती में पुणे हमको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जगाने का काम करेंगे। हम लोग घर घर में जाकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को हम लोगों को पुणे छिंदवाड़ा के पावन धरा में काम करने का काम करें, यही हम निवेदन चाह रहे हैं आप लोगों से। समस्त मेरे सगेजन भाइयों, आज हमें धन हमारे तुलेश्वर मरकाम जी आज छिंदवाड़ा की पावन धरा में आप पधारे हैं, आपको बार बार साजब दरबार को हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आज इस गोंडवाना आंदोलन के लिए हम लोगों के लिए कट्टरता से एक मुट्ठी में चलना पड़ेगा, ये एक संगठन में चलना पड़ेगा। संगठन है तो देश में राज कर सकते हो आप लोग, और संगठन नहीं है तो आप देश में राज नहीं कर सकते। आपके लिए 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को लाना है, 2023 की में सभी ब्लॉक से आए हुए सभी गांव से आए वो आरी चिन्ह है, आरी चिन्ह को न भूलना हम लोगों को, क्योंकि वही आरी ने उस गणतंत्र पार्टी ने, आप कहते हो ना गौर से हम गौड़ है, ना पहले कोई गौर से गौड़ नहीं कहते थे, आज इस गणतंत्र पार्टी खातिर आप कह रहे हैं कि गौर से हम गौड़ है, ना आज बीजेपी कांग्रेस की गुलाम होते आप लोग, गुलाम होते आप लोग। आज इस गणतंत्र पार्टी ने आपको जगाने का काम किया है और उस गणतंत्र पार्टी ने आपको आंदोलन सिखाया है। हम उस बाप को कभी नहीं भूलेंगे, न भूलेंगे, मरते दम तक गणतंत्र पार्टी के हम लोग काम करते रहेंगे और गणतंत्र पार्टी के काम करूंगा, मैं करूंगा। दावा के अंदर से सभी क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है, आप लोग कहते हैं कि साज वाले दादाजी आज हम लोग अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी में थे, हमें जब 2003 में मध्य प्रदेश के अंदर 3 विधायक बने, आज हमारे साबूती हैं, आज हमारे बीच में दरबू सिंह विके जी हैं और हमारे इस छिंदवाड़ा जिले के आज हमारे पैनवासी हो गए मनमोहन साहब बट्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से विधायक बने थे, इसी मंच ने विधायक बनाया था, और जिस दिन इस मंच से जिन लोगों ने छोड़ा है वो कभी सक्सेस नहीं हो पाए। बाप बाप होता है, जिस बाप ने जन्म दिया है पर उस बाप का लोग लात मारते हैं, जिस माँ ने दूध पिलाया आप लोगों को और उसको लात मारते हैं आप लोग, या जिस मन से आप लोग सीखे हो, जिस मन से आपने आंदोलन लड़ना सीखा, जिस मन से आप जैसे वो बोलना सीखा, और कहते हैं हम लोग हाँ से हम गोंडवाना के लोग है कहते हैं, अरे गोंडवाना का आप लोगों ने भूल गए, आप लोग इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को बड़े बड़े षड्यंत्र रचे, अलग अलग पार्टी बनाकर अलग अलग संगठन बना के गणतंत्र पार्टी को तोड़ने का काम किया, लेकिन धन दादा मरकाम का आशीर्वाद पार्टी नहीं टूट पाया। आप चले जाओगे लेकिन गणतंत्र पार्टी नहीं सुन टूटने वाली है, हम लोग भी अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी में करते थे, लेकिन हम जिस मंच से सीखे हैं उस मंच को हम छोड़ेंगे नहीं। आज नौजवान बैठे जीओसी के कार्यकर्ता बैठे हैं, आज जीओसी के लड़का कहते हैं कि जीओसी के
गोंडवाना जगाया। अरे छिंदवाड़ा जिला के जीओस वालों से मेरा निवेदन है, यहाँ आप लोग आज किससे बात कर रहे हो? अरे जिस दादा मरकाम का संगठन जीओस है, कौन से संगठन में बात कर रहे हैं? आज कहते हो आप लोग जिससे दूध पिया, जिससे चाय पिया, और यहाँ से सुनकर जाकर दूसरे की जय जयकार करते हैं, कहे के जीओस का संगठन है तुम्हारा? शिवनी चले जाओगे गणतंत्र पार्टी, बैतल जाओगे गणतंत्र पार्टी, और छिंदवाड़ा जाओगे तो दूसरे की ताली बजाने काम करते हो? या उसे निवेदन है, यह साज व दरबार है, किसी का गुलाम सुनने वाला नहीं, किसी का खाया नहीं। आप लोगों से निवेदन है कि वक्त है याद आइए आप लोग, और 2023 में तन मन धन से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छिंदवाड़ा जिला के अंदर लहराना चाहिए। हमारे अतीतों से हम निवेदन है, जहां पर युवा की पकड़ है तो युवा का संगठन दे, युवा को टिकट दे और युवा का अंगूल आइए, और जहां बुजुर्ग की ताकत तो बुजुर्ग के दे, यही निवेदन में से। आज मेरा निवेदन है सभी नौजवान साथियों से, हवाई संगठन अलग अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो भी लड़ना चाहे तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आइए। जैन भी विधानसभा में आप लोगों ने पकड़ है, आपका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपका सहयोग करेगी, शपथ होगी, सदस्यता होगी। जब पर आप लोग एकता बनाइए छिंदवाड़ा जिला के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, यही छिंदवाड़ा भर में डबल पार्टी है, छिंदवाड़ा भर में डबल पार्टी। अभी तक मैंने नहीं बोला था, मैं भी सभी लोगों के साथ बैठता हूँ, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका साहेब भट्टी है, उससे भी निवेदन है मेरा कि यह वक्त है आ जाइए इस गोंडवाना में, और जिस दिन इस जिला यात्रा अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के जिला अध्यक्ष से निवेदन है कि बैठ के आप निर्णय कर लीजिए, अलग अलग मंच न लगाइए। आप अलग अलग मंच लगाओगे क्योंकि जिस मन से आपने दूध पिया है, जिस मन से आपने बोलना सीखा है, और जिस मन से आपने जिला सदर जनपद बने हो, उन लोगों से मेरा निवेदन है। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गलती आदिवासी लोगों का है, आदिवासी ही अलग अलग बटा है, नहीं एक दिन में देश के सरकार हम लोग उखाड़ कर फेंक सकते हैं, लेकिन सब लोगों का मनसा रहता है। आज मेरे साथ में 200 लोग खड़े हो गए, मैं जिला अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हो जाता हूँ पार्टी खड़े होने के लिए। आज देख रहे जो छोटी छोटी पार्टी बनी है ना, ये सब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की विरोधी में बनी। बीजेपी कांग्रेस से लो पैसा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करो बुराई, कम से कम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आंगन यही काम कर रहे हैं ना आप लोग, यही से निवेदन है। जब लोग आपकी नहीं चल पाएगा, आपका निवेदन मेरे से कि आप लोग जो भी अलग पार्टी बनाए हो, चाहे अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के हो, चाहे वो जनशक्ति क्रांति पार्टी हो, क्योंकि वो भी इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से सीखा है। गुलजार सिंह मरकाम भी इस मन से सीखा है, जिला अध्यक्ष भी यहाँ के जमकलाल सरयाम जी इसी से सीखा है, मैं भी इसी से सीखा हूँ, वो भी यही झंडा से सीखे हो। और लोग कहते पीरी क्रांति हमारी है, और दादा मरकाम क्या करते थे? वे फ्री थे का? मोतीराम कंगाली फ्री थी का? उन नौजवानों से कह दू, उन नौजवानों से मेरा निवेदन है, पूरे जियो समाज मेरा निवेदन, छिंदवाड़ा जिले की त्रिगाम जी बैठे हो आप जिला अध्यक्ष जियो से के सपोर्ट करिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उसके लिए हम खड़े हैं। लेकिन छिंदवाड़ा जिला के अंदर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी होना चाहिए, हर ब्लॉक के जिला अध्यक्ष मेरा निवेदन है। और मैं जिन आपने सहयोग नहीं करोगे तो मैं समझूंगा यही हमारे बीच के दूध पी वाले लोग कांग्रेस बीजेपी की गुलामी समझूंगा आप लोगों को मैं, क्योंकि इस पार्टी अभी है छिंदवाड़ा जिला की पार्टी बीजेपी से सपोर्टिंग है, बीजेपी पर सपोर्टिंग है, आपको मन से कहता हूँ, और कहना है तो सांझ दरबार में आकर मेरे को बोलना, क्योंकि हम किसी का गुलाम नहीं है, हम तो सच्चे सबूत मोतीराम कंगाली जी के और दादा मरकाम के हैं। आज मेरे समाज में छिंदवाड़ा जिला के अंदर आज हमारे प्रत्यति जी बैठे हैं, जौहरीलाल इनवाती जी हैं, बड़े बड़े पुराने दादा बैठे हैं, वोटर लिस्ट में नहीं था जब सब मंच में बोलना सीखे, या आप लोग तो वोटर लिस्ट में नाम आ गए जब फिर आप लोग रोड में आए हैं, और मैं तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं था जब से मंच में बोलने लगा, जब से
मैं पूजा कर रहा हूं, तो आप लोगों से निवेदन है, इस मंच लगी है, मैं किसी पार्टी का विरोध करना था, लेकिन आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि आज पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मंच लगा है, एक खातिर आपको निवेदन कर रहा हूं। और अमलवाड़ा विधानसभा आदिवासी है, जुन्नारदेव आदिवासी है और पांडुना आदिवासी है, तीन विधानसभा आदिवासी, जो भी जुन्नारदेव अमलवाड़ा विधानसभा से आदिवासी लोग आए, या आप कहते हो कि कांग्रेस बीजेपी हमारा सहयोग नहीं करेगा, जब तक आप लोग सदन में नहीं पहुंचोगे, लोकसभा में नहीं जाओगे, राज्यसभा में नहीं जाओगे, या आपका कुछ आने वाला नहीं है, या आपका हक अधिकार जल जंगल जमीन कैसा बचेगा बताइए आप लोग। आज जल और जंगल जमीन को बचाने के लिए, हक और अधिकार और धर्म और भाषा लड़ने के लिए वो गणतंत्र पार्टी है। आज गणतंत्र पार्टी ने दादा मरकाम ने बस में जाकर पैदल चलकर कमांडर में चलकर दादा मरकाम जी के पास कभी गार्ड नहीं रहे, कभी उनके पीछे बंदूक वाले नहीं घूमे, उन्होंने गांव गांव में जाकर जहां भी जाकर महुआ के कोया भूंज के रख लिए खीसा में, और समाज की बात करे उस दादा को हम बार बार पुने, आज हम जो पीले गमछा गौर से कहते हैं ना, ये दादा मरकाम का देन है। सभी मेरे नौजवानों से मेरा निवेदन है, आज से जाकर छिंदवाड़ा जिला के कोने कोने में चिन्ह बता दो, तो 2023 की बुहारी चिन्ह बता दो, और इस गोंडवाना को जगाने का काम किया तो बोले बोले दादा मरकाम बता दो। आधे लोग छिंदवाड़ा जिला के दादा मरकाम का नाम पता नहीं है अभी, आधी पढ़े लिखे लड़के तो दादा मरकाम का नाम भूल गए, लड़कियां भूल गए, कई लोग भाषण देने वाले दादा मरकाम को भूल गए, मोती रावण कंगाली को भूल गए। उन्होंने कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा जिला के ही लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में गोंडवाना का झंडा लहराया किए रहे, पूरे मध्य प्रदेश और भारत में ये सुनने पे आती है। तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि अब हम बता रहे मन से कि तुम्हारे पहले के बाप और थे वो दादा मरकाम है, तीन विधायक तैयार करे थे तो दादा मरकाम ने तैयार करे, अमलवाड़ा में प्रचार गांव गांव में जाकर दादा मरकाम ने किया, जोगीलाल पाची ने किया, केआर परदेती ने, सीएल ठाकुर ने, तिलगाम जी ने, ऐसे लोगों की देन थी जो अमलवाड़ा में हमने विधायक बनाकर इन्हें तैयार किए। लेकिन उस चीज हमने भूल गए, उस चीजों को हमने नहीं जान पाए, अब जानने की बारी है। आज हमने हमारे पुणे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तुलेश्वर मरकाम के आंदोलन में सहयोग करना हम लोगों को, और गणतंत्र पार्टी में सहयोग करने हैं। हमारा संगठन अखिल गोंडवाना कोया कुने भम का संघ है, लेकिन मेरा निवेदन है कि जब बड़े बड़े साधु लोग आरएस की सहयोग कर रहे हैं, कोई बीजेपी का सहयोग कर रहे हैं, तो हम गोंडवाना क्यों सहयोग न करें। लोग कहते हैं कि दादाजी राजनीति बात करते हैं, मैं कहता हूं मिर्ची बाबा जैसे के, अजीत योगी जैसे के बीजेपी मुख्यमंत्री बने, मैं तो कोई मुख्यमंत्री नहीं सदस्य नहीं, मेरा संघ सहयोग करना आपको बुरा लगता है, बीजेपी वालों को बुरा लगता है, कांग्रेस वालों को बुरा लगता है, आधे गोंडवाना वाले को बुरा लगता है कि दादाजी ऐसे बोल रहे हैं। अरे हम जिस खून से जिस सिख हम कभी हटने वाले नहीं। आप लोगों से निवेदन है, मेरे सगा समाज, मेरी माता शक्ति पित शक्तियां, आज से कफन कस लो आप लोग, आज से मुट्ठी बांध लो, और कल से जाकर पूरे एक एक गांव में छिंदवाड़ा जिला के पावन धरती में शपथ लेकर दादा मरकाम का और पूरे हीरा सिंह मरकाम कर दो। हम सभी को मान सम्मान देते हैं, सभी को हम हक अधिकार है, चाहे एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो। आज एससी के लोग, ओबीसी के लोग, जिस दिन यहाँ पर आदिवासी नहीं होता ना तो एससी एसटी नहीं बच पाता। इस देश के आदिवासी मूल अंक ने, इस आदिवासी मालिकों ने इस देश को बताया है, जल जंगल बचाया है, ये धरती गोंडों का था। लोग कहते हैं कि आदिवासी कहां से आ गए, उन लोगों से मैं बतला दूं, ये भारत देश नहीं था, इस देश गोंडवाना का था। आज भी इतिहास के अंदर, भूगोल के अंदर वैज्ञानिक आज भी मानता है कि भारत देश गोंडवाना था। गोंडवाना में 85% लोग, 85% लोग इस देश के आज भी आरएस के गुलाम में बैठे हुए हैं। वो भी इसी से मेरा निवेदन है, इसी से निवेदन है।
एसपी के समस्त मेरे आदिवासी भाइयों से मेरा निवेदन है, वक्त है एक संगठन हो जाइए और एकता बनाकर इस गढ़वाला विचारधारा दादा मरकांग विचारधारा पर चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है, धन्य डॉक्टर भीमराव, धन्य सवित्री बाई भूले, बिरसा मुंडा, टंटा मामा, भील रानी दुर्गावती, इन्होंने यहाँ पर जल और जंगल बचाने का काम किया है। आज हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, आज नौजवान रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, आप आंदोलन कर रहे हैं, करते रहिए आंदोलन, जब तक आप लोग, आपका नेता नहीं होगा, आपका विधायक नहीं होगा, आपका सांसद नहीं होगा, आपको कुछ मिलने वाली नहीं। बिल पास नहीं होगी, आप हम आवेदन दे रहे, आवेदन हमारी टीआई के पास चले जाता, तहसीलदार को दे दिए, कलेक्टर को दे दिए, हमारा आवेदन रख के 6 महीना तक रख के राख रहा है। 6 महीने के बाद में गाड़ी आती है, सुबह सुबह कचरा की गाड़ी में डाल देते हैं, हर हम उसको याददाश्त करते हैं, हमने आवेदन दिए थे, हमको पट्टा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, बिजली की चाहिए, रोड की चाहिए, मकान की चाहिए, हमारा जल जंगल भाषा की चाहिए, हम लोग आवेदन दे देते हैं, क्योंकि हमारे सदन में बोलने वाले लोग नहीं है, राज्यसभा में बोलने वाले लोग नहीं है, लोकसभा में बोलने वाले नहीं है। आज वो कानून लागू कर दिए, आज आप कहते हो ना कि व्यक्त पैसा कानून लागू हुआ, मैं कहता हूं आपके लिए लागू नहीं हुआ, बीजेपी वालों के लिए लागू हुआ। बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सरपंच, बीजेपी के जनपद, उनके लिए लागू हुआ, आपके लिए लागू नहीं हुआ, नहीं हुआ लागू आपके लिए, आपके लिए लागू। जब मैं मानता कि 5 अनुच्छेद आपके ट्राइबल क्षेत्र वहां पर लागू होता, इनने तो पैसा एक्ट पूरे शहर में लागू कर दिए, पूरे जिला में कर दिए, ब्लॉक में कर दिए, सारे लोग, आपको क्या फायदा हुआ? उसमें कोई फायदा नहीं है आप लोगों, नहीं है। जब आपके, चलो आपको आदिवासी को मान्यता दे रहे हैं हम लोग, आदिवासी को मान्यता दे, हम मान जाते कि वास्तविक में 8वीं अनुच्छेद में बोड़ी भाषा की मान्यता मिल जाती, मैं मान जाते वास्तविक में आप बीजेपी सरकार चाह रही, आपको नहीं चाहेगी बीजेपी, आपको नहीं चाहेगी कांग्रेस। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, सभी को धन्यवाद साजब दरबार की ओर से, और सबको आशीर्वाद। आप सभी लोग मुट्ठी बांध कर जयकार करेंगे, दादा मरकाम था, दादा मरकाम था, मोतीरामण कंगाली था, मोतीरामण कंगाली था। आप लोगों से सभी को साज दरबार कोर से सभी को धन्यवाद, सभी को आशीर्वाद। और मेरा निवेदन है, जो भी जिला अध्यक्ष है यहाँ के, ब्लॉक अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, वक्त कम बचा है, अभी समय है, आप गांव-गांव में जाकर कमेटी मीटिंग शुरू कर दीजिए, आपके साथ में फुल साजवा दरबार सहयोग करेगा। धन्यवाद।